अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ हमज़ा हुसैन राना। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ मैं। आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे दिनों से ये अफवाह गर्दिश कर रही थी कि जो इंटरमीडिएट के इम्तहान हैं या मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो बोर्ड के इम्तहान हैं वो मरूजी तर्ज से होने जा रहे हैं। तो उसके बारे में एक कन्फर्म और ऑफिशियल न्यूज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आपसे ही दरख्वास्त है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलते हैं जी हम इस खबर की तरफ जी। तो यहाँ पर हमारे पास दुनिया न्यूज़ जो है वहाँ पर एक न्यूज़ है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहान के तरीक़ाकार तब्दील नहीं हो रहे। तलीमी बोर्ड मुल्तान खसूसी रिपोर्टर, तलीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक और इंटर के इम्तहान के तरीक़ाकार तब्दील होने के खबरों को अफवाह करार दे दिया। इस सिलसिले में हुकाम का कहना है कि नहम दहम व इंटरमीडिएट इम्तहान अप्रैल तक जून मुनक्कद करवाए जाएंगे। तो जैसा कि आपने ये चीज़ देख ही ली है कि जो बोर्ड है मुल्तान का खसूसन बोर्ड है, उन्होंने जो है वो इस बारे में बिल्कुल जो है वो उस अफवाह को गलत करार दे दिया है कि जो इंटरमीडिएट हैं या मैट्रिक के इम्तहान हैं वो MCQs बेस होने जा रहे हैं। और फर्दर उन्होंने ये भी जो है वो चीज़ क्लियर कर दी है कि जो इम्तहान हैं वो अप्रैल से जून तक मुनक्कद करवाए जाएंगे। तो ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी भी बोर्ड जो है वो इसकी वेरिफिकेशन और इसको बकायदा तौर पर अनाउंस भी कर देंगे, लेकिन ऐसा जो है वो कोई अभी जो है वो सुनने में नहीं आ रहा कि तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि तरीक़ाकार बिल्कुल तब्दील नहीं हुआ। और जो आप इतने दिनों से वो जो ख़बरें सुन रहे थे कि जो अब इम्तहानात हैं वो मरूजी बेस होंगे या MCQs बेस होंगे, तो वो सिर्फ एक अफवाह है। तो इसी न्यूज़ के साथ आपसे इजाज़त चाहिएंगे, जुड़ते रहिएगा जी हमारे साथ इसी चैनल पर। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।